नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं आपके सेक्शन आप लोगों के साथ आई नजर डालते हैं खास खबरों की। भीलवाड़ा में टीना डाबी की मेहनत रंग लाती हुई नजर आई। जी हां, आपको बता दें कि प्रवासी मजदूरों को उत्तर प्रदेश ट्रेन के द्वारा भेजा गया। भीलवाड़ा से 1407 पंजीकृत श्रमिकों को लेकर उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हुई ट्रेन, सबके लिए की गई भोजन के पैकेट, सूखे नाश्ते व पानी की भी व्यवस्था। राज्य सरकार द्वारा राज्य में बसे अन्य राज्यों के श्रमिकों को उनके घर भिजवाने की कड़ी में शनिवार को भीलवाड़ा से विशेष ट्रेन श्रमिक स्पेशल द्वारा पंजीकृत 1407 व्यक्तियों को उत्तर प्रदेश के चित्रकूट के लिए रवाना किया गया। बच्चों सहित कुल यात्रियों की संख्या 1571 थी। रवानगी से पूर्व श्रमिकों ने करतल ध्वनि के साथ सरकार को अपने ओर से धन्यवाद दिया। इस अवसर पर उपस्थित प्रशासनिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने ताली बजाकर सभी को विदा किया। शनिवार का दिन उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों के निवासी उन श्रमिकों परिवारों के लिए बड़ी राहत लेकर आया जिन्होंने भीलवाड़ा से अपने राज्य में जाने हेतु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया था और उत्तर प्रदेश ने इनके लिए NOC जारी की थी। राज्य सरकार द्वारा विशेष ट्रेन श्रमिक स्पेशल की व्यवस्था कर इन लोगों को अपने राज्य के लिए रवाना किया गया। इससे पूर्व जिला प्रशासन द्वारा विशेष बसों के माध्यम सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए सभी पंजीकृत श्रमिकों एवं उनके परिजनों को जिले के विभिन्न इलाकों से भीलवाड़ा लाया गया। रेलवे स्टेशन पर उनकी थर्मल स्क्रीनिंग भी की गई। उन्हें सूखे नाश्ते, पानी और भोजन के पैकेट देकर अपने गंतव्य के लिए रवाना किया गया। गाड़ी में सोशल डिस्टेंस का पूरा पालन करते हुए श्रमिकों को सीट आवंटित की गई। जिला कलेक्टर राजेंद्र भट्ट व पुलिस अधीक्षक हरेंद्र मावर ने रवानगी से पूर्व स्टेशन पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इन लोगों की यात्रा शुभ होने की कामना की। श्रमिक स्पेशल से पंजीकृत यात्रियों को भिजवाने के लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर राकेश कुमार व NK राजोरा, उपखंड अधिकारी टीना डाबी के नेतृत्व में पूरे प्रशासनिक अमले ने पिछले दिनों पूरी मेहनत के साथ सारे इंतजाम किए। रात्रि 10 बजे यह ट्रेन उत्तर प्रदेश के लिए रवाना की गई। टीना डाबी ने बताया कि हमारी पूरी टीम ने पूरी मेहनत से काम किया और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के आधार पर सभी लोगों की सूची बनाकर टिकट जारी करवाए, जिसमें शामिल सभी प्रशासनिक अधिकारी और कर्मियों का पूरा पूरा सहयोग मिला, उसके लिए धन्यवाद। हमारा एक ही मकसद था कि सभी प्रवासी सुरक्षित अपने घर पहुँचे। इस सपने को सरकार के सहयोग से सभी ने पूरा किया। कैपेसिटी है ट्रेन की और करीब 1432 लोग इसमें जाएंगे और सभी आ चुके हैं और आज यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग भी सबने गोले बने हुए थे। सबको खाने पीने का सामान, सैनिटाइजेशन, साबुन और हाथ धोने का साबुन और जो पैकेट्स दिए गए फूड पैकेट्स जिसमें बिस्किट्स वगैरह भी हैं, तो पूरी मात्रा में उनको खाने पीने का सामान दिया गया है, सैनिटाइजेशन का सामान दिया है। सुबह पूरा स्टेशन जो था वो सैनिटाइज कराया गया था और रेलवेज ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। हमारी जो टीम यहाँ लगी हुई थी जिन्होंने एक एक व्यक्ति से संपर्क किया, एक एक व्यक्ति को बस में यहाँ पर लाया गया है और बसेस से यहाँ अंदर लेके आए हैं और उनके डब्बे, कोच, सीट्स सब बिल्कुल ऑर्गेनाइज थे। उनको पता था कि उनको कौन सा डब्बा है। सारे यहाँ पर जो कुछ टीचर्स भी उनकी ड्यूटी पे लगी हुई थी, प्रशासन की टीम भी थी साथ में, जो अपना सिविल डिफेंस है उनकी टीम भी साथ में थी, पुलिस का हर व्यक्ति हर क्षेत्र में बस के साथ और रास्ते में उनके डायरेक्शंस बताता हुआ, बैरिकेडिंग करता हुआ। तो पुलिस, प्रशासन, रेलवे सब ने बहुत बढ़िया कार्य किया है जिससे किसी भी जो श्रमिक है उसको कोई तकलीफ नहीं हुई है। वो आराम से आया है, अपना उसने सामान लिया है, खाने पीने का सामान लिया है, बैठने की सुनिश्चित जगह थी। आप देखिए कहीं भीड़ भाड़ आपको पूरे स्टेशन पे नज़र नहीं आएगी क्योंकि ट्रेन के अंदर उनके आने का समय सबका अलग अलग किया गया, तो अलग अलग समय करने से एक साथ स्टेशन पर भीड़ नहीं हुई और भीड़ नहीं हुई हमारा मकसद भी यही था कि भीड़ ना हो और आराम से सारे श्रमिक अपने गंतव्य स्थान पर चले जाएं। तो राज्य सरकार को बहुत प्रशंसा कर रहे हैं श्रमिक। मैंने अभी अंदर बात की तो देखा बड़े खुश नजर आ रहे थे अपने घर जाते हुए, तो राज्य सरकार के प्रयासों से ये संभव हो सका है और सभी जो अपने घर जा रहे हैं उनको हमारे। वही दौसा जिले में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने अपना स्वागत सम्मान कराने से किया इनकार। दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय नांगल
राजावदान में राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोरीलाल मीणा ने कोविड 19 के चलते स्वागत कराने से मना करने पर महिलाओं ने राज्यसभा सांसद का गीत गाकर स्वागत किया। आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोरीलाल मीणा शनिवार को नांगल राजावदान मीणा हाईकोर्ट पहुंचे। उन्होंने लोगों से वैश्विक महामारी से बचाव के लिए घरों में ही रहकर सावधानी बरतने की अपील की है। आपको बता दें डॉक्टर किरोरीलाल मीणा ने कहा है कि सावधानी व सुरक्षा एवं संरक्षण की पालना करने से संक्रमण से बचा जा सकता है। सांसद डॉक्टर किरोरीलाल मीणा के हाई कोर्ट पहुंचने की जानकारी मिलते ही आसपास के महिला व पुरुष साफा व माला पहनाकर स्वागत करने लगे, तो इस दौरान मीणा ने कहा कि मैं इस समय स्वागत नहीं करूंगा। महिलाओं ने गीतों के माध्यम से सांसद किरोरीलाल मीणा को बधाई दी। वही आपको बता दें कि लालसोट में कर्फ्यू हटने के बाद जरूरी सामान की दुकानें दोपहर 1 बजे तक खुली हुई दिखाई दी। दौसा जिले के उपखंड लालसोट मुख्यालय क्षेत्र में कोरोना संक्रमण से प्रभावित किसी व्यक्ति की रिपोर्ट नहीं आने तथा इंसिडेंट कमांडर SDM JB गुर्जर और पुलिस तथा चिकित्सा विभाग के अधिकारियों की रिपोर्ट के बाद लालसोट नगर पालिका क्षेत्र में 11 अप्रैल से लगातार चल रहे कर्फ्यू को हटाने के आदेश कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने जारी किए। आज रविवार से बाजार खुले तथा लोगों को रोजमर्रा में काम आने वाली जरूरत की चीजों, खेती किसानों के काम में आने वाले उपकरण, मशीन व संसाधन के साथ साथ अन्य सामानों की उपलब्धता होने से लोगों को राहत मिली है। वहीं दूसरी तरफ थोक सब्जी मंडी की दुकानें भी संचालित हो सकी। SDM JB गुर्जर ने बताया कि जीरो मोबिलिटी क्षेत्र के निषेधाज्ञा वापस ली गई है, लेकिन लॉकडाउन लागू है। धारा 144 के तहत 5 से अधिक लोग एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते। व्यापारी अपने प्रतिष्ठान सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुले रख सकेंगे। इस दरमियान दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग की नीति का पालन करना होगा। मास्क पहनकर सामान बेचा जाएगा। दुकानों पर आने वाले ग्राहकों सैनिटाइजर उपलब्ध करवाए जाएंगे, उसके हाथ धुलवाए जाएंगे। दुकानों के आगे ग्राहकों के खड़े होने के लिए 2 गज के फैसले पर गोले बनाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा घोषित लॉकडाउन तथा मॉडिफाइड लॉकडाउन कानून की पूरी तरह पालना की जाए। साथ में उन्होंने बताया कि नियमों की पालना नहीं करने पर उसकी दुकान को सील करने की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्र को जोड़ने वाली सभी सड़क मार्ग पर पुलिस की नाकेबंदी भी रहेगी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार।